उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला चुकीचे सल्लागार मिळालेले आहेत, त्याच्यामुळे आज अशी परिस्थिती आहे. म्हणून तुम्ही पळून गेलात सर. उदय सामंत ने तो परसों नेशनल एग्जीक्यूटिव भी ज्वाइन किया था, अब उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी. कितना बड़ा धक्का है. नहीं धक्का नहीं, आदित्य ठाकरे करीबी माने जाते हैं. ये सबके करीबी थे. दीपक केसरकर हमारे करीबी है, उदय सामंत हमारे करीबी है, वहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति हमारा करीबी है. एकनाथ शिंदे हमारे सबसे ज़्यादा करीबी है. जहाँ हम लोग बैठे उस हमारे घर में 8 दिन में एक बार थोड़ा मिलते थे, चाय पीते थे, खाते थे, गपशप करते थे, सुख दुख बांटते थे. सभी करीबी है. एकनाथ शिंदे आज भी हमारे करीबी है.